नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हम डिटेल रिव्यू करने वाले डोमिनार 250 का। कलर का ऑप्शन मिल जाता है एक रेड और एक ब्लैक। ये ब्लैक जो आप सामने से देख सकते हैं, फ्रंट से कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिल जाता है। अगर आप फ्रंट की बात करते हैं तो ऊपर में आपको छोटा सा विंडशील्ड मिल जाता है आपको, और उसी पर आपको नंबर प्लेट माउंट है, यहीं पे आप अपन नंबर प्लेट माउंट कर सकते हैं। साथ में अगर आप लाइट की बात करते हैं तो इसमें आपको DRL का ऑप्शन भी मिल जाता है, साथ में आपको इसमें LED लाइट आपको मिल जाते हैं। और अगर आप फ्रंट सस्पेंशन की बात करते हैं तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके का आपको व्यू देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको टैंक देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और टैंक के दोनों तरफ आपको डोमिनार की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर आप सीट की बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से आपको सीट देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी देखने में आपको कंफर्टेबल लगेगा। आप जब इस पर बैठ के आप टेस्ट ड्राइव करेंगे तो आपको काफ़ी कम्फर्टेबल लगेगा। इसमें आपको दो स्प्लिट आपको सीट देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको डोमिनार 250 की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और पिलियन ड्राइवर के लिए आपको इसमें ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके से आपको टैंक का कंसोल आपको देखने को मिलेगा, और दोनों तरफ आपको डोमिनार की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर आप फ्रंट टायर की बात करते हैं तो इसमें आपको 17 इंच के अलॉय मिल जाते हैं आपको, जिसमें आपको 100/80/17 ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं। ड्यूल चैन ABS आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 300 mm का डिस्क देखने को मिल जाएगा। ड्यूल चैनल ABS होने के कारण काफ़ी अच्छा आपको ब्रेकिंग इसमें देखने को मिल जाएगा, और ये ऑयल कूल इंजन होने के कारण यहाँ पे आपको रेडिएटर देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू इंजन काफ़ी जल्दी आपको कूल होने में आपको हेल्प मिलता है। तो साइड से व्यू की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको इंजन प्रोटेक्शन गार्ड भी मिल जाता है, और इस तरीके से इंजन भी है। साथ में आपको रेयर में आपको ब्रेक के लिए ब्रेक वायल का पोजीशन भी दिया गया है, और कुछ इस तरीके से एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर और पिलियन के लिए दोनों के लिए फुटरेस्ट मिल जाते हैं आपको। और अगर यहाँ पे इस साइड की बात करते तो इसमें आपको साड़ी गार्ड भी मिल जाते हैं, बस साड़ी गार्ड पे आपको कोई फुटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से आपको गियर लीवर देखने को मिलेगा फुटरेस्ट के साथ ही। और अगर आप इसके इंजन वे की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इंजन वे देखने को मिलेगा। और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात अगर आप करते हैं तो इसमें आपको 248/80 cc का आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। 6-speed मैनुअल लिक्विड कूल इंजन मिलता है इसमें आपको, जिसमें 26.63 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है, 23.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये इंजन। और इसमें आपको एक सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसमें पर सिलेंडर आपको 4 वाल्व मिल जाते हैं, और पर सिलेंडर आपको 2 spark plug देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइड से अगर आप ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ आपको डोमिनार 250 cc की आपको बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसके ओवरऑल लेंथ की बात करते हैं तो इसमें आपको कर्व वेट 180 kg का मिलता है, और व्हील वेट 1453 mm का होता है। ओवरऑल लेंथ जो है 2156 mm का है, और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर आप बात करते हैं तो 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, और ओवरऑल हाइट 1112 mm का है। चेसिस आपको बीम टाइम प्रीमियम आपको चेसिस मिल जाता है। तो साइड से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इंजन वे देखने को मिलेगा, साथ में आपको इंजन प्रोटेक्टर गार्ड आपको मिल जाता है। और अगर आप इसके डिजिटल कंसोल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको डिजिटल कंसोल देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको टैंक पे भी आपको कुछ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको ABS, स्टैंड अलार्म, लो वाल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, इंजन माल फंक्शन के भी डिस्प्ले यहाँ पे भी आपको देखने में मिल जाएंगे। और अगर आप डिजिटल डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर मिल जाते हैं, और ऊपर साइड में आपको टोटल किलोमीटर मिल जाएंगे। ट्रिप ए ट्रिप बी के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, और नीचे आपको ट्रिप ए ट्रिप बी रिसेट करने के लिए 2 स्विच भी आपको मिल जाते हैं। साइड में आपको ऑयल इंडिकेटर मिल जाते हैं। अगर इस साइड की बात अगर करते हैं तो इसमें आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, लाइट ऑन ऑफ के स्विच ऑफ मिल जाते हैं, साथ में आपको इसमें इंजन स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर आप इस साइड की बात करते हैं तो इसमें आपको अपर एंड डीपर दोनों लाइट के स्विच मिल जाते हैं, इंडिकेटर, साथ में हॉर्न का स्विच मिलता है। तो देख सकते हैं फ्रंट से कुछ इस तरीके का आपको कंसोल देखने को मिल जाएगा। टोटली डिजिटल डिस्प्ले है, और टैंक पे दोनों तरफ आपको डोमिनार की बैचिंग मिल जाती है,
और अगर आप रेड की बात करते हैं तो रेड टेल लाइट आपको कुछ इस तरीके से LED टेल लाइट देखने को मिलेगा, और काफ़ी चौड़ा मडगार्ड आपको दिया गया है ताकि जिसमें आपको पिलियन पे आपको कीचड़ उड़ने का कहीं भी कोई चांस नहीं बनता है। और कुछ इस तरीके से आपको LED इंडिकेटर येलो कलर के ही देखने को आपको मिल जाएंगे, जो काफ़ी देखने में खूबसूरत मिलते हैं। नीचे आपको नंबर प्लेट की वैच की पोजीशन मिल जाती है, साथ में उसमें आपको लाइट भी का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से रेयर में आपको देखने मिल जाएंगे। चलिए अब इसके एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं और देखते हैं कि इसमें आपको किस तरीके का एग्जॉस्ट साउंड देखने को मिल जाता है। ना ही ज़्यादा लाउड, बट काफ़ी अच्छा आपको एग्जॉस्ट साउंड इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में इसमें आपको सिंगल स्टैंड ही मिलता है, इसमें आपको डबल स्टैंड नहीं मिलता है। तो ये रहा आज का डिटेल रिव्यू जो हमने डोमिनार 250 का किया। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।